हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपर्ट एडवांस लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं, एडवांस सीसीटीवी रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं, मोबाइल एडवांस रिपेयरिंग कोर्स कराते हैं, जिसमें हम लोग आईफोन, बेसिक फ़ोन, सारे फ़ोन जो है, स्मार्टफोन जो है, हम लोग कराते हैं। तो आइए, आज हम लैपटॉप मदरबोर्ड के बारे में कुछ आपको बताने जा रहे हैं। तो बेसिकली लैपटॉप में हम जानेंगे, आज के टॉपिक हमारा जो है PWM का है। लैपटॉप में PWM सर्किट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड पे आपको PWM फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो सबसे पहले PWM को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा, बोर्ड में जैसे इस तरह के कॉइल जो होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे ये PWM का मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन रेगुलेट करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब एक हायर वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब सभी सेक्शन का इनपुट जो है 19 वोल्ट ही है, आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं जो 19 वोल्ट पे रन करते हैं, उसी को PWM कहा जाता है, पावर विद मॉड्यूलेशन। ठीक है जी, तो बोर्ड में आपको कैसे पहचानना है, आप सबसे पहले कॉइल की संख्या देखेंगे, कॉइल कितने बोर्ड पे हैं। जैसे आप देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, एंड देन आप देखेंगे पीछे के साइड में, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है। तो कॉइल को जो आप देखेंगे तो ये कॉइल जो है आउटपुट में लगा होता है, दैट मीन्स ये सेक्शन जो है 19 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे एक मेन मॉस्फेट होता है, एक सपोर्टिंग मॉस्फेट होता है और एक रेगुलेटर आईसी होता है। ठीक है जी, आप यहाँ पे देखिए, दो जो है मॉस्फेट है, एक आउटपुट कॉइल है और आउटपुट कैपेसिटर है। जब भी आप बोर्ड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आपको मिलना ही चाहिए, जैसे नो डिस्प्ले का इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, ऑन करते हैं तो इस पे अगर आपका वोल्टेज शो कर रहा है तो दैट मीन्स ये सेक्शन आपका रनिंग में है। सेम थिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक मेन मॉस्फेट है, एक सपोर्टिंग मॉस्फेट है, एक आउटपुट कॉइल है, आउटपुट कैपेसिटर है, दैट मीन्स ये भी आपका एक PWM का सेक्शन है, ये भी आपका एक PWM का सेक्शन है। फिर आप देखेंगे ये भी एक हमारा PWM सेक्शन है और ये भी हमारा एक PWM सेक्शन है, आप देखेंगे आपको अगर दिख रहा होगा तो। और फिर आप देखेंगे एक यहाँ पे PWM सेक्शन है। ठीक है जी, हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे कि किस PWM सेक्शन का क्या वर्क होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है, कैसे किसी मदरबोर्ड पे हम PWM को फाइंड आउट करेंगे जो 19 वोल्ट पे वर्क करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखने से पता चल गया कि एक हमारा यहाँ पे PWM सर्किट लगा हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉइल की संख्या आप देखेंगे 1 एंड 2, दैट मीन्स इस सेक्शन में दो मतलब पावर मॉस्फेट, हाइयर मॉस्फेट जिस पे जो है 19 वोल्ट बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे दो पावर मॉस्फेट का यूज किया गया है, इस वाले पे आप देखेंगे एक कॉइल लगा हुआ है, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक मेन पावर मॉस्फेट है जिस पे 19 वोल्ट आएगा, वो मॉस्फेट क्या करेगा, वोल्टेज को स्विच करेगा, रेगुलेट करेगा, जिस चीज़ को आगे जाना चाहिए वो इस कॉइल से आगे मिलेगा। ठीक है जी, तो आप बेसिकली आप देखेंगे तो जो लैपटॉप मदरबोर्ड में होता है, VRM का जो सेक्शन होता है वो आपका एक रेगुलेटर सर्किट है, चार्जिंग का सर्किट हुआ, स्टेप डाउन का सेक्शन हुआ, GFX का सेक्शन हुआ, रैम की जो सेक्शन है, ये सारे के सारे PWM काउंट करते हैं इसमें। ठीक है जी, तो आप उम्मीद करते हैं कि सारे PWM को आप इजीली पहचान गए होंगे। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कॉइल को देखेंगे, ठीक है जी, इस टाइप के कॉइल आपके बोर्ड पे होंगे, अगर कॉइल देखते हैं तो उसी के पास में आपका जो है मेन मॉस्फेट होगा, सपोर्टिंग मॉस्फेट होगा, आउटपुट कॉइल होगा, आउटपुट कैपेसिटर होगा और उसका IC भी लगा होगा। ठीक है जी, तो फिर मैं दूसरे मदरबोर्ड पे आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे इस वाले मदरबोर्ड को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक PWM है। ठीक है जी, यहाँ पे इस कॉइल पे कोई ना कोई वोल्टेज बनना चाहिए जब भी हम लैपटॉप को ऑन करते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3,
यहाँ पे तीन कॉइल लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स PWM में ये लगा हुआ है, ठीक है जी। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक कॉइल लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी एक PWM सेक्शन है, दैट मीन्स यहाँ भी एक मेन MOSFET, सपोर्टिंग MOSFET और इससे रिलेटेड IC होगा ही होगा। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली ये कोई भी पहचान लेता है, ये 3-5 का आपका सेक्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आपका PWM का सेक्शन है। जो लोग पहले से थोड़ा सा लैपटॉप के बारे में जानते हैं, रिपेयरिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं, उनको ये क्लियर चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो आप पहचानने का जो तरीका है, जितनी भी कॉयल है दैट मीन्स वो 19 वोल्ट उसका इनपुट है, ठीक है जी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो हमने आज PWM को कैसे पहचानते हैं, आज के वीडियो में आपको जो है हमने बताने की कोशिश किया है। अब आगे किस PWM में क्या वर्क होता है, क्या इनेबलिंग बनता है, क्या आउटपुट जनरेट होता है, अब सारे सीक्वेंस सीक्वेंस में हम जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आगे जो वीडियो आएगा इसी के बारे में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी कोर्सेज करना होता है तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप जो है कॉल करके कोर्स से रिलेटेड आप डिटेल्स जान सकते हैं। फर्स्ट ट्रैक में भी हम लोग कराते हैं, स्लो ट्रैक में भी कराते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज हमारे यहाँ चलते हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।